आप अपने लिए पेंट हाउस देख रहे हैं? अगर हाँ तो आपकी खोज यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेक्टर 123 में पेंट हाउस। सबसे मेन चीजें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है कि सोसाइटी के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, राइट? तो हम सोसाइटी के अंदर दे रहे हैं आपको पार्क, स्विमिंग पूल, इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ऐसे आपको फोर यहाँ पे लिफ्ट मिल जाएंगी एंड बहुत सारी चीजें। लोकेशन की बात करते हैं, सेक्टर 123 मोहाली, इजी कनेक्टिविटी रहेगी क्योंकि आपको सोसाइटी के आसपास ही यहाँ पे मिल जाएगी मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, जो आपकी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। तो सीधी बात करते हैं मैम अपने पेंट हाउस के बारे में। पेंट हाउस जो है हमारा, ये S+8 की सोसाइटी रहेगी, जो टोटल बिल्डिंग रहने वाली है। हमारे टॉप पे टोटल 8 पेंट हाउस आएंगे, जिसका साइज रहने वाला है 5,000 स्क्वायर फीट, 4 बेडरूम, मॉड्यूलर किचन और इसी के साथ 7 रूम मिलने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, मेरे साथ चलिए। तो मैं आ चुकी हूँ पेंट हाउस के सामने। ये कुछ यहाँ पे लिफ्ट रहेगी, एक लिफ्ट अभी तैयार होनी है। टोटल 4 पेंट हाउस रहेंगे एक फ्लोर के ऊपर। तो मैं अपने सैंपल जो है पेंट हाउस के सामने खड़ी हूँ। इस तरीके कुछ आपका डोर आ जाएगा और इस साइड का नियर वॉल कुछ 8 फीट का आपका डोर रहने वाला है, जिसके जो फॉल सीलिंग कुछ इस तरीके से दिखेगी। और एक प्राइवेसी के पर्पज से मैं बोल सकते हैं काफी हाइड एरिया में रखा है, क्योंकि यहाँ से जब गेट से या कोई आपके घर की तरफ देखेगा रूम के अंदर, तो उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इस जगह कुछ रहेगा आपका। तो ये आपका हॉल रहने वाला, जिसके सामने आ जाती है एक छोटी सी बालकनी। जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 स्क्वायर फीट जो है आपके पेंट हाउस का साइज है, इट मीन्स की आपकी जो लॉबी रहने वाली है काफी स्पेशियस रहने वाली है। तो ये हमारी मॉडल किचन रहने वाली है, कुछ इस तरीके की ही हम एज इट इज ही आपको किचन आपको डिलीवर करेंगे। जैसे आपके कैबिनेट आ जाएंगे कुछ इस तरीके के, यहाँ पे आपकी चिमनी आ जाएगी और यहाँ पे इन्होंने अलग से माइक्रोवेव के लिए स्पेस दे रखी है और यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रिज। किचन जो है मॉडल रहेगी और वेट एरिया जो इन्होंने इस साइड बनाया। किचन हमारी जो है ये ओपन रहने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं, सामने जैसे मैंने आपको बताया था ये बालकनी आ जाएगी आपकी छोटी सी। इस साइज की कुछ आपकी यहाँ पे बालकनी आ जाती है और यहाँ रहने वाली स्टेयर्स जो आपकी टेरेस तक जाएगी, जो मैं आपको ऊपर अभी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने रूम की तरफ चलते हैं। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम। आजकल के ट्रेंडिंग के हिसाब से कुछ चीजों को नोट किया गया और उस हिसाब से बनाया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो है बेड का ऐसा रहेगा एंड देन कुछ इस तरीके के आपको जो है वार्डरोब मिल जाएंगे। सॉफ्ट क्लोजर ये रहने वाले हैं, फॉल सीलिंग कुछ इस तरीके की आ जाएगी और इस रूम के अटैच साथ ही आपके अटैच रहने वाली है बालकनी। आपका प्राइवेट रूम है, अगर आप कपल है तो यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो इस व्यू को। तो कुछ इस तरीके आपकी बालकनी आ जाती है और सामने आ जाएगा आपका वॉशरूम। वॉशरूम देखिए किस हिसाब से बना है ना वो, इस तरीके वॉशरूम आ जाएगा, जो इन्होंने यहाँ पे ग्लास को पार्टीशन करके इन्होंने बेड एरिया को अलग से कर दिया है। जैगवार की आपको फिटिंग मिल जाएगी, अप टू रूफ में उन्होंने टाइल लगाई है और इसी के साथ देखिए दूसरा कंसेप्ट जो है इन्होंने फॉल सीलिंग कैसे रखी है इन्होंने। और सामने सनलाइट पड़ रही है, आप देख ही पा रहे हैं एग्जॉस्ट फैन लगा है और वेंटिलेशन के लिए जो एरिया बनाया गया है। तो वॉशरूम तो बहुत ही प्यारा है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट बेडरूम कंप्लीट होता है। अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ और ये रहने वाला हमारा सेकंड बेडरूम। कुछ इस साइज का सेकंड बेडरूम हमारा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेंडिंग के हिसाब से बनाया गया, जो आजकल के जैसे वार्डरोब चल रहे हैं। देखिए सेंसर लाइट यहाँ पे लगी, जैसे मैंने जस्ट ओपन किया था लाइट जली है और कुछ इस तरह के रहने वाले हैं। साइज देखिए यहाँ पे बॉक्सिस का, मतलब कि बड़े बड़े लगेज जो आपके हैं यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको अपने अपना प्राइवेट सामान कुछ ऐसा रखना है उसको लॉक करके, तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने क्या प्रोविजन दे रखी है। तो अलग अलग तरीके साइज के बॉक्सेस बनाए हैं ताकि आपका सामान जो है प्रॉपर आ जाए इसमें। देखिए है ना एक नए कंसेप्ट की चीज़। देखिए जैसे वहां पे लाइट बंद हो गई है एंड देन जैसे मैंने इसको ओपन किया लाइट जल गई, राइट? तो ये रहने वाला है, सामने आ जाएगा आपका यहाँ पे ग्लास, क्योंकि यहाँ पे आपका बेड रहने वाला है, सेंटर में आपका बेड आ जाएगा और ये जो आ जाएगा जो वर्क किया गया है आपके साइड में आ जाएगा, जो आपके इस बेडरूम को और ज़रा डेकोरेट करता है। तो यहाँ रहने वाला है वॉशरूम। मैं आपको बता दूँ कि कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी यहाँ पे, कुछ चीज़ें पेंडिंग है। अगर आपको वीडियो में देखिए तो समझ जाएगा कि अभी काम चल रहा है। जैसे यहाँ पे मिरर में देखिए सेंसर लाइट,
और ये इस तरीके का कुछ वॉशरूम रहने वाला है। मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जिस तरीके का आप देख पा रहे हो व्यू। तो इस तरीके कुछ आपका सेकंड वॉशरूम रहने वाला है और इसी के सामने भी यहाँ पे हमें बालकनी मिलने वाली है। इट मीन्स कि आपके हर रूम के साथ अटैच बालकनी मिल रही है। वाओ, ये आई थी आपकी सेकंड बालकनी। आपके हॉल के साथ भी अटैच बालकनी थी, फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच थी और सेकंड बेडरूम के साथ भी अटैच थी। तो ये हमारा जो है एक फ्लोर कंप्लीट होता है। अभी हम आपको लेके चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, जहाँ आपके लिए बहुत ही एक्साइटेड चीज है, से जेंट्स है, क्योंकि वहाँ पे हमने मिनी बार बनाई है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। चलिए, तो हम चल रहे हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, जो पेंट हाउस का फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है। इससे पहले कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे। जैसे आप स्टेयर्स देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने लाइट्स लगाई हैं, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। सामने विंडो है जो प्रॉपर लाइट और जो है ठंडी हवा आपके पेंट हाउस के अंदर आएगी। और यहाँ इन्होंने ग्लास जो यूज़ किया है, अगर झूमर की बात की जाए तो देखिए कितना प्यारा यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है। तो हम आगे फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे आपको टू बेडरूम्स मिलने वाले हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम, जो आपका थर्ड बेडरूम रहने वाला है। जैसे मैं बताया टोटल फोर बेडरूम्स रहेंगे, तो ये कुछ रहने वाला है फोर बेडरूम में। जैसे आपको बालकनी यहाँ पे भी मिल रही है और इसी के साथ कुछ इस तरीके का बेडरूम आपका आ जाएगा। काम अभी चल रहा है, वार्डरोब भी यहाँ पे अभी बन रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे रहने वाला है वॉशरूम। वॉशरूम जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है, जैसे आप देख पा रहे हो। जैसे हमने नीचे ग्राउंड में देखे थे दो बेडरूम के जो वॉशरूम थे, वैसे ही एज इट इज रहने वाले हैं। ये मैंने आपको थर्ड बेडरूम दिखाया, एज इट इज ही आपका जो फोर्थ बेडरूम रहने वाला है। तो हम आ चुके हैं ओपन एरिया में, जो आपके लिए एक्साइटेड वाली चीज थी जो मैंने दिखाने थी, क्योंकि इस फ्लोर पे जो है हम आपको दे रहे हैं मिनी बार। कुछ इस तरीके का मिनी बार आपका रहने वाला है। स्टोन पैटर्न में इन्होंने टाइल यूज की है, देखिए कितना अच्छा इन्होंने इस एरिया को डेकोरेट किया है। जो शाम के टाइम अगर आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, तो आपके क्लब्स का या जहां पर भी आपने पार्टी करनी है, जो आपने वहां पर किराया देना, उस पैसे को बचाइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। तो अगर डेकोरेशन की बात की जाए तो देखिए इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टाइल्स देखिए ब्लैक कलर की यहाँ पे लगाई है, और सामने आप व्हाइट कलर के जो देख रहे हो दो स्पीकर रहने वाले हैं, जहाँ आपने म्यूजिक को एंजॉय करना है और मिनी बार के सामने। तो ये कुछ इस तरीके का रहने वाला है। व्यू देखिए कितना प्यारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्रॉपर ठंडी हवा चल रही है, फैमिली के साथ बैठी है, सही है। कहते हैं क्वालिटी ऑफ टाइम देना चाहिए अपने फैमिली को भी, तो यहाँ आप पक्का डेफिनेटली देने वाले हो। इसी के साथ में प्राइवेसी या सिक्योरिटी पर्पज से इन्होंने ग्रिल यूज की है, आयरन की, कुछ इस तरीके की रहने वाली है। जैसे उन्होंने सामने जो ग्रास लगाया, ग्रीन एरिया बनाया गया, ये भी कितना प्यारा व्यू दे रहा है। तो आप यहाँ पे गार्डन भी बना सकते हैं और अपने इस पेंट हाउस को चार चांद लगा सकते हो। तो मैं अभी आगे बढ़ूंगी, उससे पहले पैटर्न देखिए स्टेयर्स का कितना प्यारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। अगर आपने आइडिया लेना अपने घर के लिए तो वो भी ले सकते हैं। तो आपकी आयरन के यहाँ पे जो है स्टेयर्स आ जाएंगी, कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोटे स्टेप में नॉर्मल स्टेप रहने वाले हैं। जैसे मैं आराम से जा रही हूँ, तो आइए टेरेस की तरफ। हम आ चुके हैं टेरेस की तरफ। अगर व्यू की बात की जाए तो देख ही रहे हो कि कैसा व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारी चेयर्स आ जाएंगे, जहाँ बैठ के हमने इस व्यू को एंजॉय करना है, सनसेट को यहाँ पे एंजॉय करना है। इसी के साथ हमें यहाँ पे मिलेगी मिनी बार सामने रहेगी, और इसी के साथ मिलने वाले हमें स्पीकर, जो आप पार्टी के टाइम एंजॉय करने वाले हो म्यूजिक को। यही बात खत्म नहीं होती है, हम दे रहे हैं आपको यहाँ पे फ्लोटिंग चेयर, जहाँ बैठ के आपने स्क्रीन को एंजॉय करना है। सामने हमारा प्रोजेक्टर रहेगा और इसी के सामने हमारी स्क्रीन रहेगी, जहाँ पे आप घर बैठ के थिएटर की फीलिंग ले सकते हो और पैसों को बचा सकते हो। दोस्तों कैसा लगा आपको पेंट हाउस, मैं आपको बता दूं कुछ ही यूनिट्स अवेलेबल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बेस्ट मौका है, गवाइए मत, जल्दी से आइए बुकिंग कीजिए। जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे लोकेशन जो है सेक्टर 123 जो रहने वाली है, एट जोनी 125, सेक्टर 125 भी आप इसे कह सकते हो, एयरपोर्ट रोड के पास है। अच्छा वाइड एरिया यहाँ पे निकलने वाला है। इन फ्यूचर की अगर बात की जाए तो आपके घर के पास है 200 फीट रोड भी निकलने वाली है, मतलब कि आपके इस पेंट हाउस का जो है प्राइस इंक्रीज ही होगा और फ्यूचर इसका ब्राइट ही होगा। तो मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, प्रॉपर्टी वाले फॉर्म नाम से ही है। और इसी के साथ अगर आपके पास टाइम कम है तो इंस्टाग्राम पे भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, सेम नाम से हमारा वहाँ पे चैनल मिल जाए आपको। धन्यवाद।